नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह जी, न्यूज इंडिया से, और आज मैं पहुंचा हूं मुजफ्फरनगर के सिर चौक पर, और यहां मुझे मिले हैं बाइक स्पोर्टमैन, और मैं इनसे बात करना चाहता हूं कि आप भाई साहब अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पलविंदर सिंह, मैं मुजफ्फरनगर के देवपुरम में रहता हूँ, और ये हीरो मोटोकॉर्प है जो मोटरसाइकिल टू वे ये दिस इज यामा नॉट हीरो मोटोकॉर्प जो दुपहिया टू व्हीलर जो बनाती है, उन्होंने एक ऐसी प्रतियोगिता रखी है जिसमें नो एज लिमिट, उसमें आप कहीं भी किसी कंपटीशन में जाएंगे सबसे पहले वहाँ पे एज, यार आप इसमें कोई एज की कोई लिमिट नहीं है। आप किसी भी स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में या कहीं भी जाएंगे, वहाँ पे आप 40 साल के बाद आप बुढ़े हो, उनके लिए आप उनके लायक नहीं हो। हीरो ने ऐसा हमें एक मौका दिया है कि यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, आपकी स्किल, आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। उन्होंने कौन से लेवल है जो आपने? मैं फर्स्ट लेवल में रहा, जो मैंने ऑनलाइन टेक्निकल था, जो व्हाट इज़ हॉर्स पावर, व्हाट इज़ टॉर्क, कंप्रेशन रेशो, तो वो मैंने क्लियर करा, और हमारे आसपास लाखों लोगों ने ये 47 इंडिया लेवल पे ये रेस है, इंडिया लेवल रेस है, ये 47 शहरों में होगी, देश के 47 शहरों में हो चुकी है। कल मेरा सेकंड था, देहरादून में मेरे को मिला, नोएडा नहीं मिला मेरे को, क्योंकि देहरादून हमारे पास में है। जो आप ये ले रहे हैं सर्टिफिकेट? जी, ये मेरा सेकंड वहाँ पे जो मैं वहाँ पे, हाँ सेकंड मैंने क्लियर कर लिया है, और ये MTV और एक और चैनल है वहाँ पे, मेरे को नाम नहीं पता, उस पर टेलीकास्ट होगा। अब आगे क्या प्रोग्राम है आपके? आगे मेरा यही है, वहाँ पे मेरे को क्वेश्चन, मेरे को ये पूछा कि आप 47 साल की उम्र में ये रेस आप क्यों करना चाहते हैं? ये मैं सिर्फ उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि ये 47 साल की उम्र में लोग है भाई, बुढ़ा हो गया भाई, क्या करेगा, कि नहीं, विचार बुढ़े नहीं होते, विचार हमेशा जवान रहते हैं। हाँ, तो उन लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया मैसेज है कि भाई घर से निकलो। ये थे मेरे साथ बलविंदर सिंह जी, जो जिन्होंने रेस अभी अभी रेस जीती है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बलविंदर सिंह जी, न्यूज़ इंडिया से।